अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाबी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान, राइट रॉन्ग। पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद 1951 में सेंसस किए गए, जिसमें ये देखने को मिला कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में आधे से ज़्यादा लोग तो पंजाबी बोलते हैं। करीब 57.08% बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन पंजाबियों को लगता है कि पाकिस्तान वालों ने पंजाबी को बहुत संभाल कर रखा हुआ है। पंजाब में रहने वाला हर कोई पंजाबी ही बोलता है, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप ये स्कूल नोट्स पढ़िए जिसमें लिखा है कि बच्चे स्कूल में फॉर लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। अब आगे देखिए, फॉर लैंग्वेज इंक्लूड टाउंट अब्यूज पंजाबी एंड हेट स्पीच, यानी पंजाबी को एक गंदी और गलीज लैंग्वेज में इंक्लूड कर दिया गया है। और ये स्कूल कोई सिंध बलोचिस्तान या KPK का नहीं, बल्कि सूबा पंजाब के बहुत मशहूर शहर साहिवाल का है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से बच्चों के गार्ड वालों और उसके पेरेंट्स को कॉल्स जाती हैं कि अपने घरों में पंजाबी नहीं बल्कि उर्दू बोला करें। तो दोस्तों, क्या यही वजह है कि जहां 1951 में पंजाबी बोलने वाले 57% लोग थे, 2017 के सेंसस के मुताबिक ये नंबर 38% तक ड्रॉप हो गया है? आखिर क्यों पंजाब में रहने वाले लोग अपनी जुबान बोलना छोड़ रहे हैं, इनको किस बात का खौफ है? चलिए आज की वीडियो में यही सब जानते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पंजाबी लोग स्टेट और सोसाइटी के हर लेवल पर काम करने लगे, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री, जो कि हमें आज भी देखने को मिलता है। और ये अलग बात है कि वो सब लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो उर्दू लैंग्वेज में करते हैं। खैर, जब हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू बनी तो पंजाब में रहने वाले पंजाबियों के लिए पंजाबी पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। 1980 तक आते आते कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने पंजाबी में डेली न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था सज्जन, और ये पंजाबी में पब्लिश होता था। और इसको बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि पंजाबी को बचाया जा सके, कहीं लोग पंजाबी बोलना भूल ही ना जाए, क्योंकि तब कोई न्यूज़ या बुक सिर्फ इंग्लिश या उर्दू में ही पब्लिश की जाती थी। और सज्जन के पब्लिश होने के अनफॉर्चुनेटली 20 माह बाद इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि ना तो इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट थी और ना ही किसी प्राइवेट सेक्टर की। और सिर्फ यही नहीं, 1990s तक पंजाब असम्बली में भी पंजाबी पढ़ाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाती है। बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की, कुछ लोगों ने यह तक कहा कि कम से कम बच्चों को स्कूल में तो पंजाबी पढ़ाने दो, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी किसी बात को ना माना। जबकि दोस्तों, इसी पंजाब की धरती में ऐसे लोग भी पैदा हुए जिनको ये सब लोग बहुत अच्छे से मानते हैं। फॉर एग्जांपल, 13वीं सदी में बाबा फरीद, जिन्होंने पर्शियन स्क्रिप्ट में पंजाबी को लिखा और फिर इस ट्रेडिशन को आगे और भी सूफियों ने प्रमोट किया, जिनमें शाह हुसैन, बाहू शाह, बुल्ले शाह, वारिस शाह शामिल हैं। और 19th century में मियां मोहम्मद बख्श और ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी इस पंजाबी लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। पंजाबी को सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि सिखिज्म ने भी अडॉप्ट कर लिया। गुरु नानक साहब ने 16वीं सदी के शुरू में जब सिखिज्म की बुनियाद रखी तो उन्होंने भी कई किताबें पंजाबी में लिखी। इंटरेस्टिंगली, ये वो पंजाबी नहीं थी जिसे मुसलमान पंजाबी लिखते थे। मेनली पंजाबी 4 किस्म की स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, शाहमुखी, गुरमुखी, दीवानगरी और रोमन स्क्रिप्ट, जो कि आजकल कॉमन है। शाहमुखी स्क्रिप्ट पंजाबी लिखने का सबसे पुराना स्क्रिप्ट माना जाता है। पाकिस्तानी पंजाबी शाहमुखी में ही स्क्रिप्ट लिखते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यह स्क्रिप्ट उर्दू के लिए बनाया गया, हालांकि ये पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट है जो कि फारसी और अरबिक से लिया गया। और ये वही स्क्रिप्ट है जो 13वीं सदी में बाबा फरीद ने अपनी पंजाबी शायरी के लिए यूज़ किया। शाहमुखी स्क्रिप्ट को सिर्फ सूफीज ने नहीं प्रमोट किया बल्कि कई सिख गुरुओं ने भी इसे अपने लिए यूज़ किया। ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है उर्दू की तरह, इसलिए इंडियन पंजाबी इसे बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। 16वीं सदी के दौरान सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद ने पंजाबी और सिक्खी को एक अलग पहचान देने के लिए एक नई स्क्रिप्ट डेवलप की जिसका नाम रखा गुरमुखी। गुरमुखी यानी गुरु के मुंह से निकले हुए अल्फाज। सिखों की हॉली बुक गुरु ग्रंथ में भी गुरमुखी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। जहाँ गुरमुखी ने पंजाबी को एक नई पहचान दी, वहाँ गुरमुखी की वजह से कई नुकसान भी हुआ। कुछ यूँ के मुस्लिम पंजाबी इस लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता था और ना ही पढ़ पाता था, जिसकी वजह से सिख पंजाबी और मुस्लिम पंजाबी के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप आ गया।
और फिर इसी तरह हिंदू पंजाबी ने दीवानगरी को अडॉप्ट कर लिया। फिर जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर रोल करना शुरू किया तो 1849 में राजा रंजीत सिंह के मरने के 10 साल बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया और फिर लोगों को फोर्स किया कि वो पंजाबी की जगह उर्दू बोले और पंजाब की आर्मी में स्टेट लैंग्वेज भी उर्दू को बना दिया गया और फिर गवर्नमेंट के छोटे मोटे लेवल्स पर भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसका रिजल्ट यह निकला कि 19वीं सेंचुरी में हिंदी को हिंदुओं के साथ, उर्दू को पंजाब मुस्लिम के साथ और पंजाबी को सिखों के साथ एसोसिएट कर दिया गया और ब्रिटिशर्स की पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के जहनों पर ऐसी छाप छपी कि पेरेंट्स आज भी अपने बच्चों को अपनी जुबान पंजाबी नहीं सिखा रहे। इसको लेकर 2002 में एक स्टडी की गई जिसमें लाहौर के यूनिवर्सिटीज के कुछ स्टूडेंट शामिल थे, जिसमें यह देखने में आया कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका तल्लुक पंजाबी फैमिली से है वो खुद को पंजाबी नहीं बल्कि उर्दू बुलवाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि इसकी वजह क्या है तो उनका कहना था कि हमें खुद को पंजाबी कहते हुए शर्म आती है और यह जुबान सिर्फ हंसी मजाक के लिए अच्छी है, ना कि पढ़ाई लिखाई और अपनी आइडेंटिटी के लिए। वही कुछ स्टूडेंट का यह भी कहना था कि पंजाबी बोलने से ऐसा लगता है जैसे हम पेंडू हैं। दो हजार 2021 में इस्लामाबाद में एक और स्टडी की गई। इस स्टडी का मकसद था कि आखिर पता चलाया जा सके पंजाबी लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, जिसमें 4 यूनिवर्सिटियों को चुना गया और जिसमें 18 से 22 साल के मुख्तलिफ स्टूडेंट शामिल थे और ये सब के सब पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसमें स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ आंसर आए। कुछ का कहना था कि वो पंजाबी बोलते थे लेकिन जब फ्रेंड्स ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया तो उन्होंने पंजाबी बोलना छोड़ दिया। वही कुछ लोगों का कहना था कि हमें पंजाबी बोलते हुए शर्म महसूस होती है और कुछ का कहना था कि पेरेंट्स की तरफ से उन्हें सिर्फ उर्दू ही सिखाई गई है, ना पेरेंट्स ने फोकस किया पंजाबी सिखाने के लिए और ना ही स्कूल में पढ़ाई गई, और कुछ का कहना था कि हमें स्कूल में ये पढ़ाई ही नहीं गई। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के दूसरे सूबों सिंध, बलोचिस्तान और KPK में शुरू से ही बच्चों को उनकी जुबान पढ़ाई और लिखाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, सिंध में सिंधी सब्जेक्ट और KPK में पश्तो सब्जेक्ट कंपलसरी है। पंजाब जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, उसके एजुकेशन सिस्टम में पंजाबी सिरे से ही नहीं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे पंजाबी बोलने वाले लोग कम हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पंजाबी खुद ही इसको ख़त्म कर दें, जो कि हमें पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आ रहा है। आज आप ऐद करके उठिएगा, अगर आप पंजाबी हैं, पंजाब में रहते हैं तो अपने घर वालों और दोस्तों के साथ पंजाबी में बात करेंगे। एंड पे मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि इस ब्रिटिश माइंडसेट से बाहर निकले, अपनी जुबान पर प्राउड फील करें, अपने बच्चों को प्राउड फील करवाएं और अपने घर में पंजाबी बोला करें। याद रखिए, तब तक कोई जुबान ख़त्म नहीं होती जब तक घर में उसके बोलने वाले लोग मौजूद हों, और यही सब पंजाब में रहने वाले पेरेंट्स घरों से पंजाबी ख़त्म करके कर रहे हैं, जिसको हमें रोकना है। और ये पंजाबी लैंग्वेज के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश थी दोस्तों। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।